घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। उसको समझता क्या? क्लास ब्रिंसमा का जन्म एम्स्टरडम में एक डच एंटरप्रेन्योर एंटोन ब्रिंसमा और ब्रिटिश हाउसवाइफ के घर हुआ था। क्लास के पिता डच में सोडा ड्रिंक मैन्युफैक्चरर थे। जब वो हाई स्कूल में था तब उसने हैश या हशीश का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो उसे बेचने भी लगा और इसी के चलते 16 साल की उम्र में 1970 में उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद 1974 में उसने ड्रग ट्रेड शुरू करने का फैसला लिया और थी उसकी पार्टनर बनी। अब ये थी कौन है? तो थी डच मोबस्टर और सिंगापुरियन हेरोइन स्मगलर की बेटी थी। क्लास ड्रग्स की परचेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन देखा करता था, वहीं थी फाइनेंस देखा करती थी। 1976 में उसे फिर से अरेस्ट किया गया लेकिन वो 1977 में छूट गया और उसके बाद उसने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 3 से 4 बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट किया था और उसके बाद उसने अपने स्मगलिंग ऑपरेशंस को जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और कहां कहां नहीं फैलाया। और देखते ही देखते, जी हाँ, देखते ही देखते वो नीदरलैंड का कल्ट हीरो बन गया था। 1979 में जब वो हैश की एक बड़ी सप्लाई पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट करवा रहा था तब एक बार फिर से उसे पकड़ लिया गया और 1982 में उसे रिलीज कर दिया गया। 1983 में उसके और उसी के गैंग के बीच एक बहुत बड़ा शूट आउट हुआ क्योंकि जब वो जेल में था तब उसके बिजनेस पर उसी के लोगों की नजरें पड़ी थी और इसी वजह से उसने कई लोगों को मार दिया और उसे 5 सालों की सजा सुनाई गई लेकिन 3 सालों में ही वो रिहा कर दिया गया। साल 1987 में जब वो रिलीज हुआ तब उसने अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया और एक नई शुरुआत की। उसने होटल्स, कैसीनोज, गेमिंग, ब्रदर्स जैसे कई सारे लेगिटिमेट बिजनेस के फॉर्म में ओपन किए और उनकी आड़ में अपना हैश स्मगलिंग का बिजनेस करता रहा जिसमें थी उसकी पार्टनर रही थी। 1980s के एंड तक क्लास यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग ट्रेडर बन गया था। उसकी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त रोज के $5,00,000 जनरेट कर रही थी। 27 जून 1991 के दिन क्लास मैरिटन हुगलैंड जिसे ऑर्गेनाइज क्राइम के पुलिस ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया गया था उसके साथ एक बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई थी और उसी के चलते हुगलैंड ने उसे सुबह के 4 बजे एम्स्टरडम हिल्टन होटल के सामने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। उसकी कोई विल नहीं थी और उसके भाई बहनों ने उसकी प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया इसलिए उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उसकी माँ के पास गई तो बाकी की एम्स्टरडम की टैक्स एंड कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन के पास चली गई। ऐसे ही एक हाई लेवल की स्मगलर की स्टोरी पर ही पुष्पा टू की स्टोरी बेस्ड होने वाली है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा टू के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई और चटपटी वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।